देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम तरह से प्रॉमिस कर ले रही ना कि मास्क मैन के असली चेहरा हम तरह के दिखाई ता आज एक असली चेहरा हम तरह के दिखाई ताकि तरह यकीन हो जाए कि जौन कुछ भी भइल बा ओमे हमार कोनो हाथ नहीं के, हमार कोनो इन्वॉल्वमेंट नहीं के, हमार कोनो गलती नहीं के, इस सब एक कर कहिल धइल बा। आप लोगन के सच सुने के बाना तो जोन सच बा वो हम आपके बतावतनी। हमके ही लेकी प्रीता अरोड़ा पैसा देले रहली आपके किडनैप करे खातिर। झूठ बोल रहा भाई करण सा, ऋषभ जी, राखी आंटी झूठ बोल रहा बा। अबे सच बोल वरना जुबान किसके हाथ में दे दे हम तो हार। राखी आंटी झूठ बोल रहा बा, हमने के पास इतना पैसे नहीं कि हमने एक तीन गुना पैसा कैसे दे सके। नी पगला गल बड़ा का पी रख ले बड़ा तू। हम पीले ना बानी, जौन सच बा वो हम आप लोगन के बतैनी। सॉरी मैडम, जान के सवाल बा, जान बा तो जहान बा, अगर हम ही ना रहे तो पैसा के का करब। यही खातिर हमरा सब कुछ सच सच बतावे के पड़ल। और तो और ये सब काम में एकर माई के भी हाथ बा। कब बोल लेता ऋषभ के किडनैपिंग करे खातिर तो के पैसा दे ले। प्रीता जी हमनी तो के सिर्फ सच कहे खातिर कहले रहनी, अपनी गंदा जबान से प्रीता के नाम लेवे खातिर ना कहले रहनी, इतना बड़ झूठ बोले खातिर ना कहले रहनी हमनी। प्रीता के और उकर माँ के हमनी बहुत अच्छा तरह जाने नी, बहुत शरीफ लोग बड़े हो, ऐसन करल तो दूर ऐसन करे के बारे में सोच भी ना सके वो लोग, तो झूठ मत बोलिया। जे तो से सच पूछ ले बानी उस सच के जवाब सच से दो, झूठ से ना। तेरा पैसा मिलल बा ना, के तरह का पैसा देले बा, के तरह के काल प्रीता जी के नाम लेके। ई लेखी अपन जान पे खेल के हमार जान बचेली, एजा पर आके तहरा चंगुल में फंस गयी, खुद किडनैप हो गयी, वो हमार किडनैपिंग करवाई हन। तहर बॉस का धाबा या तू का धाबा नाम बताओ हमरा के बोलल तहरा के। सर जल्दी बताओ। ए तरह सर आई सरी तुहार प्रीता जी के प्लान पा लेके जाइए करके। इंस्पेक्टर साहब ले जाई गुंडा के, और सवाल पूछे पे अगर फिर से यह जवाब दे लेना कि प्रीता ने पैसा खातिर ऋषभ के किडनैप कर ले हा, तो बिल्कुल विश्वास मत करब। ये झूठ बोल रहा ला, ये गुंडा झूठ बोल रहा ला। कहे कि हम प्रीता होकर परिवार के होकर माँ के अच्छी तरह पहचाने नहीं, और वो लोग बहुत अच्छा बढ़न, बहुत अच्छा लोग बढ़न, ऐसन करल तो दूर ऐसन सोच भी ना सके ले उलो। प्लीज एक गुंडा के एजा से ले जाए। इंस्पेक्टर आप एक रखे इंटरोगेट करी, जब लेकर एक्टिंग ना निकले ना ये बताए ना कि सच कहा। पाटिल अरेस्ट कर एक रखे चल। हमके बिल्कुल ना समझ आ रहा आप लोग ये प्रीता पे इतना विश्वास काहे कर रहल बानी। वो गुंडा वो किडनैपर जे कोई भी है हमके लग रहा वो बिल्कुल सच कह रहा है। वो गुंडा जौन कुछ भी कह के गइल बा वो झूठ कह के गइल बा, और ये बात तू अच्छा तरह से जानी लू। इतना घटिया काम हम काहे करब ताकि हर काम के पीछे वो रीजन हो खेला। और तोरे पास भी रीजन है प्रीता, हमार और करण के शादी रोकर। हम
हम आप लोगन के बतावता नहीं। ये हमार और करण के शादी रोके खातिर न कोनो भी हद तक जा सकेली। ये पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब कुछ यही खातिर कैले बाड़ी। इतना न्यूसेंस क्रिएट कैली, पूरा मेस, एक किडनैपिंग के ड्रामा सिर्फ यही खातिर। और कंग्रेचुलेशंस प्रीता, तू कामयाब हो गई लो। आज 4 बजे के मुहूर्त रहे हमार शादी के जगह निकल गई ला। तू और तुम्हारी बहनी दोनों ही इसने बाड़ू। वैसे तो तू एक ऐसा 2 कदम आगे बाड़ू, जे वो करे लो तू वे करे लो। तू पूरा प्लानिंग कर लो और ये एग्जीक्यूट कर लो। तू एक बोले हकबु की करण माहिरा के शादी हो रहा है, कैसे भी करके रोके के हा। करण के फोन कर, फेक इन्फॉर्मेशन दो की ऐजा बुलावा। करण तू लोगन के बात में आ गई और ऐजा पर आ गई। इतना प्रॉपर प्लानिंग, पूरा टाइमिंग के साथ सब कुछ कर ले, एग्जीक्यूट कर ले। और हमके तो ये भी पक्का पता है कि जे गुंडा है ना, ओके भी पकड़ा, एकर प्लान के ही हिस्सा रहे। ये चाहत रहली कि फैमिली के सामने ओके पकड़ी और सबके सामने बहुत अच्छा बन जाए, सच्चा बन जाए और लूथरा फैमिली में फिर से एंट्री ले ली। बस कर माहिरा, तू जाने लो ना कितना झूठ बोला तड़ू। तू जाने लो, तू जोन कुछ कहा तड़ू हमें बिल्कुल सच्चाई नहीं थे। हम गलत नहीं थी, एक किडनैपिंग में हम इन्वॉल्व नहीं की, तू जाने लू सच बाल। लेकिन एक बात जे तू कहा तारू की सच बा, वो सच बा। हाँ, हम ना चाहे नहीं कि तोहार और करण के शादी होके। देखनी, हम बोलत रहनी आप लोगन से, ये चाहे नहीं। हाँ, हम ये चाहे नहीं, लेकिन ऐसे ना कि हम लूथरा हाउस में दोबारा एंट्री करे चाहे नहीं, या ऐसे ना कि लूथरा परिवार के आगे अपन इमेज अच्छा करे चाहे नहीं, या उनकर दिल में घर बनावे चाहे नहीं। लेकिन ऐसे कहीं हम जान गेल बानी कि तू कितना घटिया लड़की बाड़ू, कितना बुरी लड़की बाड़ू, कितना गिरल बाड़ू, और करण बहुत अच्छा लड़का बाड़ू, तरह से बहुत बेटर लड़की डिजर्व करेला। शट अप। She's the best one for me. मुहूर्त निकल गेल तो का भेल, शादी तो हम करब, शादी तो हम जरूर करके रहब। और माहिरा तू ए लड़की के बात, ये लड़की हमरा खातिर कोनो मायने नहीं रखत। सो डोंट वरी अबाउट हर। अभी लड़की हमार गुड बुक्स में, हमार दिल में कबो जगह ना बना सकेले। प्रॉब्लम का बा पता बा, हमार माँ ए लड़की पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करेली। यही सुना कि ये भरोसा लायक भी है, बल्कि एक खातिर कहें कि हमार माँ के दिल बहुत बड़ा बा। लेकिन हमरा खातिर प्रीता अरोड़ा इज नथिंग। करण खातिर प्रीता कुछ भी नहीं खे, कुछ भी नहीं खे। करण तू बात सुना। कितना बार माफी मांगे हम आपसे, हमरा नहीं के पता प्रीता जी। ना, हम जाना था नहीं कि आपके कितना बुरा लगल हुई ना, जो करण बोल के गरीबा, लेकिन आप जाना था नहीं ना कैसे बात। वो कबो कुछ बोलेला, कबो कुछ बोलेला, वो जॉन भी बोलेला ना, वो मीन ना करेला। प्रीता जी, हम जाना था नहीं कि आपको बुरा लगा, ओकर का तेरे मन से माफी मांगे। प्लीज बुरा मत मानो, हम एक्चुअली आपसे माफी मांगे से पहले आपसे आपके थैंक यू बोले के चाहते नहीं। आपन जान खतरा में डाल के हमारे जान बचेनी, मतलब इतना कुछ करनी, लेकिन कब हम एक्सपेक्ट भी ना करे रहनी। प्रीता जी, आप ना ऋषभ जी। हाँ ऋषभ जी, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बा
कि आपके सही और गलत में फर्क ही ना नजर आवेला। तो एकदम सही कर लो शर्लिन, हमरा एक्चुअली सही गलत में फर्क समझ में ना आवेला। पहले हम तारा के भी कितना अच्छा समझत रहनी ना, बट यू प्रूव मी रॉन्ग। ऋषभ कौन तरह से बात कर रहा बड़ा शर्लिन के साथ, देख लेनी भाभी एक बार फिर से आपके बेटी हमनी के फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देली। प्रीता अरोड़ा के वजह से हमनी के फैमिली मेंबर्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, झगड़ा हो रहा बा। देखनी आप, हम हर बार आपसे यह कहत रहनी कि प्रीता अरोड़ा हमनी के फैमिली खातिर सही लड़की नहीं थी, लेकिन आप कबो हमार बात मानत ना बनी, पता ना कौन सा जादू कर देले बिया ये लड़की आप पे। माहिरा आज तहार शादी के मुहूर्त चल गए तक का भाई, कल तहार और करण के शादी जरूर होगी। आई मेक श्योर कि कल तू दोनों के शादी हो जाए, हम और शर्लिन पर्सनली ध्यान दे कि कौनो भी अनवांटेड लोग हमनी के घर में ना आ सके। तू बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, हम बानी ना तहरे साथ, हम देखता नहीं तहार शादी के रोके के कोशिश कर सकेला। चलो बेटा शर्लिन लेट्स गो। राखी आंटी थैंक यू, आप हमरा समझी नहीं, ऐसे हमेशा हमरा सपोर्ट करी नहीं, जानी नहीं कि हम कुछ गलत ना कहले बानी, लेकिन आपसे आप हमरा सपोर्ट मत कहल करी, कहे कि हम ना चाहे नहीं कि हमार वजह से आपके परिवार आपके खिलाफ हो जाए। ना प्रीता ऐसा कुछ भी नहीं के बेटा, परिवार कबो खिलाफ ना हो खेला, हमने सब एक साथे बानी, साथ बानी। देखा ना अब हमने के साथे ऋषभ बा, करण बा, हमार दोनों बेटा हमरे साथे बा। हाँ हम ही जरूर माने नहीं कि करण थोड़ा सा पागल है, वो कभी भी कुछ भी बोल देवेला बिना सोचले समझले, लेकिन ओकर दिल में कुछ भी ना हो खेला, ओकर दिल बिल्कुल साफ़ा, वो सब रहता हम जाने नहीं, तो ऐसा कुछ ना कर सके लो। ये भी जाने नहीं कि हमने दोनों परिवार के बीच में बहुत सब गलत फहमी हो गया, बहुत सारा दूरी आ गया, लेकिन ओकरे बावजूद जब भी हमने के लूथरा फैमिली पे कोई भी प्रॉब्लम भाई, कोई भी मुसीबत आई, तू ही बाड़ो जे हमेशा हमने के मदद कहले बाड़ी, मुसीबत से बाहर निकाल ले बाड़ी, फिर चाहे हम है हमार बेटा है चाहे केहू भी हो, वो लेकी जे हमने के हर बार बचावे ले, वो आज ई काम तो बिल्कुल न कर सकेले। हमके तोरा पे पूरा भरोसा है प्रीता, तो ऐसा कुछ भी न कर सकेलू पुत्र, सब कुछ ठीक हो जाए, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक बा। प्रीता जी आप बिल्कुल भी दिल छोटा मत करे, आप हमने के इतना मदद करले बनी, आप हमने के हमेशा साथ देले बनी। ऋषभ जी आप प्लीज हमरा थैंक यू मत कही, आपके पता बा आप हमार कितना अच्छा दोस्त बानी और आप कितना बार हमरा सपोर्ट करले बानी, अरे हमार बहन के भी सपोर्ट करले बानी, जब भी आपके मौका मिलल आप ही दोस्ती के निभैनी और आपके कितना मौका मिलल, हमरा तो आज पहला बार ही दोस्ती निभावे के मौका मिलल था, हम अपन हाथ से कैसे जाए देती। आप हमरा थैंक यू मत कही, आपके पता बा प्रीता जी हमारी खुशकिस्मती बा कि आप जैसा इंसान हमार दोस्त बा, सच में। और समीर थैंक यू वेरी मच, आज हमने तारा बहुत परेशान करी, लेकिन सृष्टि की बात मान के तो दोनों जी यहाँ आ गए ना, ओकरा से बहुत बड़ा हेल्प भई, तो लोगन के बिना था
शायद हम कुछ ना कर पाते। चलो तानी राखी आंटी, अब पता ना कब मिला, लेकिन आज हमार वजह से जो आपके परिवार के बीच में लड़ाई भइल ना, ओकरा देख के हमरा बिल्कुल अच्छा ना लागल। ऐसा ना होके की चाहे प्रीता। चलो सृष्टि। अभी तक ना आईली सृष्टि और प्रीता, कहाँ रह गईली? आ जाए के चाहत रही दोनों के अभी तक। जानकी आंटी, आप यहाँ कैसे? एकदम चुप। पहले तू दोनों चुपचाप धीरे से जाके अपना माँ के कमरा में जाके सुत जा। एक मिनट। चुपचाप जाके बहन जी के कमरा में काहे सुती हम? काहे कि बहन जी तहार कमरा में बानी, उनके पता चल गए बाकी तू खिड़की तोड़ के भागले बाड़ो। खिड़की तो तू खिड़की दी तो। हम क्या ऐसे लुक मत दिया, हम कौनो खिड़की ना तोड़ ले बानी, हम पहले बता रहल बानी। यार जानकी आंटी, कौनो चीज पता ना होके तो झूठा इल्जाम मत लगावल कर, हम कौनो खिड़की ना तोड़ ले बानी। कौनो इल्जाम ना लगा रहल बानी, और थोड़ा धीरे बोला। एक्सक्यूज मी, हम धीरे काहे बोली? हम खिड़की तोड़ ले ही ना बानी तो हम धीरे काहे बोली? हम कौनो खिड़की ना तोड़ ले बानी। अरे अब हम पे झूठा इल्जाम। पता बा तो कबो कुछ गलत काम कर कहां सके लो। खिड़की तू तोड़ लू कि ना तोड़ लू हमरा ना सुने के, इतना जोर से चिल्ले लू तबे तो पता चलेल कि तू दोनों वापस आ गए लू। माँ हम सच कर रहल बानी, हम ना कौनो खिड़की ना तोड़ ले बानी। एक्चुअली दी हम बता रहल बानी, खिड़की ना वो समीर तोड़ ले बा, समीर खोल ले बा। वो एक्चुअली हम ओकरा बोल ले रहनी कि खिड़की खोले खातिर, पर हम के ना पता रहे कि हमार बात के इतना सीरियसली ले ली माँ, और वो खिड़की खोल दे लस। अब बस करा सृष्टि, ये बहाना वो ना तोड़ लस वो खोल लस, हम कुछ ना कही नहीं, ये बहुत सुन चुकल बानी हम। हमरा तू दोनों ही बतावा के चलत का बा ना। हम सृष्टि के भेजले रहनी सब्जी लेवे मार्केट बहुत टाइम पहले, ओकरा कहले रहनी कि कद्दू लेके आवा, लेकिन वो कद्दू ना ले ली, गलत सब्जी ले ली, और फिर कहे लगले का दी वापस आईली। तब हमरा चाह के पता चलल कि तू एकरा साथ गेल रहलु, ई वापस आ गेली लेकिन तू वापस ना आईलू। हमरा लगली फिर से कोनो खुराफात करी, ऐसे हम एकरा कमरा में बंद कर देनी और बाहर से कुंडी भी लगा देनी, और फिर हम लुथरा हाउस चल गेनी। काकि हमरा पता रहे तू ओहे गेल हो कबू करण के पास। माँ आप लूथरा हाउस गेल रहनी? हाँ, अपन बेटी खातिर हम कहीं जा सके नहीं, काकि हमरा ऐसा लगल कि तू ओहे गेल हो कबू, लेकिन जब हम उनकर घर में घुसनी तो हमरा कोनो शादी के माहौल ही ना दिखल, कोनो दिखते ना रहे वहां पर, लेकिन उस शर्लिन दिख गई हमरा के। तो हम ओकरे से पूछ लेनी कि प्रीता बाड़ी का, वो हमरा के दो बात सुनेली और कहली कि प्रीता यहाँ नहीं थी। चला हमरा अभी तसल्ली हो गई, हम घर वापस आ गए। तब हमरा ध्यान में आयल कि एक रात हम कमरा में बंद करके रख ले बानी और कुंडी लगे ले बानी, भूख लागत हो एक रखे। ऐसे हम अंदर गयी और एकरा कहनी कि चला बाहर आ जा, जो तरह के पसंद बा वो खाए के हम बना दे, तरह खिला दे प्यार से। लेकिन ना एकरा तो सारा नींद आजे आवत रहे, कहे लगले हमरा नींद आवता हमरा सूते के बा। तो हमू बाहर आ गए, हमरा लगल सच में एकरा नींद आवत हुई, हमरा का पता रहे ये हमरा पागल बनावताड़ी। हाँ बाद में जाके देखने तक खिड़की तोड़ के कहीं चल गल रही, और अब इतना समय बीते के बाद तू दोनों घर वापस आयल बाड़ा, इतना देर के बाद ना हमरा कोनो बताई कि चलत का बा। तू दोनों के माँ होके के नाते हमरा हक बनेला कि हम जानी कि तू लोग का छुपाओ तड़ू, का चलत का बा तू दोनों के बीच में। हमरा ये बता देना कि का चलता, हमरा एक बार पता चल जाए तो हम कुछ ना पूछा। कुछ ना हो रहल बा, का हो रहल बा, कुछ भी तो ना। थप्पड़ लगा इत तरह के, तू तो बीच में मत बोलल कर, हमेशा बीच में बोले लू। माँ यार आप हमेशा डरा धमका काहे रहे नहीं हमके, थप्पड़ मार दे भी कर दे वो कर दे। ज्यादा बकवास मत कर तू हमरा से सृष्टि। माँ 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 अब सृष्टि चुप हो जा, माँ प्लीज सृष्टि की मत डांटी। हम आपके बताता नहीं, हम सब कुछ बताता नहीं। माँ आप सृष्टि के मार्केट भेज ले रही ना सब्जी लावे के, तो हम सृष्टि के साथ चल गए रही। अब घर में दिल ना लगत रहे तो यही से। माँ आप यकीन ना करब कि हम कहा देखनी, हम देखनी कि कौनो ऋषभ जी के किडनैप करके लेके जात रहे। हाँ माँ जबरदस्ती उनका पकड़ के गाड़ी में बिठा के लेके गए ले हमारा के सामने। हाँ, भाग के वो किडनैपर के पीछा कहनी, पीछा करत करत हम कोनो होटल में पहुंच गए नी।
वहाँ पर ऋषभ जी के बचावे के चक्कर में ना हमारे किडनैपर से झड़प भी हो गई। ओकर बाद मा हमरा कुछ समझ में ना आयल, सब अंधेरा अंधेरा हो गई और किडनैपर हमरा के भी किडनैप कर ले रस प्रीता। और जब हमारा आँख खुलल था हमारे सामने करण भी बैठल रहे, तब माँ आप सोचा वो किडनैपर, वो पहले ऋषभ जी के किडनैप कैलस, फिर हमरा किडनैप कैलस, फिर करण के किडनैप कैलस। कोनो तरह हम अपना आपके छुड़ा के ऋषभ जी के बचावे खातिर भागनी और हम ऋषभ जी के बचा लेनी और वो किडनैपर के भी पकड़ लेनी माँ। और आपके पता बा राखी आंटी हमरा के थैंक्स भी कह ली, तो थैंक्स बोली बोले रहनी ना। हाँ अच्छा राखी जी शुक्रिया अदा कर ली ना तोहार। हाँ अच्छा लागल ना तरह के। और बाकी सब का कह ले ना, वो करीना, माहिरा, शर्लिन और करण, वो सभी तो कुछ कहले हो किया ना तहरा के, वो सभी तो तहर बेइज्जती कहले हो किया ना, तरह सुनेले हो किए, तहर दिल के ठेस पहुंचेले हो किए, तहर इतना बेइज्जती कहले हो किए जे तू सोच भी ना सकेलू, कहले ना वो लोग तहर बेइज्जती। हाँ आपके कैसे पता कि वो लोग ये सब केहू के फोन आयल रहे का? हमरा कौनो भी फोन के जरूरत नहीं खे, माँ बानी हम तू दोनों के जाने नी, वो लोगन के भी अच्छा से जाने नी, वो कब के कर बेइज्जती कर सकेले अच्छा से पहचाने नी, लेकिन हमरा कौनो फर्क ना पड़ेला, वो कैसन बाड़े केकरा साथ कैसन बर्ताव करेले, वो लोगन के सच्चाई ना पहचाले, सबसे हमरा कौनो लेना देना नहीं खे, हमरा फर्क पड़ेला तो सिर्फ हमार बेटियन से, हमरा फर्क पड़ेला कि केहू तोहार बेइज्जती करे, हमरा फर्क पड़ेला जब तोहार बेइज्जती हो गेला और वो लोग तारा पे चिल्ला बेले, तार दिल पे का गुजरे ला हमरा के पता बा, इससे हम बार बार तारा मना करे नी, घर में जाए से वो लोगन से बात करे से, इतना समझ बाड़ी चोट बाड़ी ये गलती कर सके लिए, एक रा उल्टा हाथ के चाटा भी मार सके नहीं हमने की तरह, तू तो इतना समझदार बड़ू प्रीता, तू तू कबो कोनो गलती करी ना सके लू, ये सोचे नहीं हम, फिर तू ऐसे कैसे कर सके लू, तू ऐसे गलती काय तो रे लू, तू काय बार बार अपन दिल दुखा फेलू, अना माँ प्लीज आप रोई मत, माँ प्लीज हम आपसे कुछ कहें चाहे नहीं, आप प्लीज प्लीज हमार बात सुनी ना, हम आपसे कुछ बात करे चाहे नहीं, बैठी। अच्छा हम तो के ब्लेम कर रहा बानी, सही कुछ शर्लिन, हम इतना ज्यादा परेशान बानी हूँ तो समझ का ना रहा बाड़ू शर्लिन, हमार शादी होते होते रुक गई ला, वो शादी जिक्र खातिर हम का कुछ ना कहीं नहीं सुना रहा बाड़ू, क्योंकि हम के ऐसा लगे ला नहीं सब कुछ तुहार वजह से भैया, हम का कहीं नहीं हा? अगर तू जरा सा भी मुझे ओके है तुहारू फ्रेंड ओके कंट्रोल में रख ले होता ना, थोड़ा थोड़ा सा नजर खुला रख ले हो कि कहाँ का हो रहा था, आज ही न होकर चले हमार शादी हो गई लोखे, माहिरा आज न भेल तो का भेल कल हो जाई। अच्छा अगर तू कल कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर लू तब देखो शरीन हम ना तो के वार्निंग दे रहा, माहिरा कौनो गड़बड़ ना होगी। शर्लिन हम फिर भी तो के वार्निंग दे रहा बानी कि अगर तू तो माहिरा प्लीज बेटर होगी कि तू अपन फोकस करन और अपन शादी पे रख, हमके पता ना कि तू नोटिस कर लू कि ना, लेकिन एक बात बा चाहे हमनी करन के दिमाग में कुछ भी डल्ले होगी, चाहे हमनी प्रीता के अगेंस्ट कुछ भी कहले होगी, राखी आंटी और ऋषभ जी अभी भी प्रीता की साइड लेता नहीं, उनके दिल में प्रीता खातिर सॉफ्ट कॉर्नर बा, तहरा पता बा कि ना हम ना जाना तानी वो दोनों ई घर के स्ट्रॉन्ग पिलर बाड़े, और तहरा कुछ ऐसा करे के होगी कि ई दोनों स्ट्रॉन्ग पिलर हिल जाए, कुछ ऐसा करे के होगी कि करण सिर्फ तहार बात सुने अपन माँ और अपन भाई के ना, करण के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमे के चाहिए कि वो तहरा से शादी कैसे करे, समझ लो तू। करण के टेंशन तू मतलब उसे हम बात कर ले, तू सिर्फ अपन गारंटी दाम के, आई प्रॉमिस कौनो गड़बड़ ना होगी, पक्का कोई प्रॉब्लम ना होगी ना। प्रॉब्लम कैसन प्रॉब्लम?
कौन बारे में बात कर रहल बाड़ो तू दोनों? हम जाना तानी कि आप जॉन भी कहा तानी, बिल्कुल ठीक कहा तानी। शायद हम रखे ये सब ना करे के चाहत रहे और हमार वजह से आप बहुत परेशान हो गल बानी, लेकिन आपन तरफ से हमो कुछ कहे चाहे नहीं। माँ आपके वो दिन याद बना जब सृष्टि और हम नासिक से मुंबई आयल रहनी? हम यहाँ के हो के न जानत रहनी और दिल में इतना डर रहे कि अब मुंबई में जिंदगी कैसे शुरू करी, ना कोनो काम रहे ना कुछ। वो वक्त ऋषभ जी ही रहले जमरा ठीक से जानत भी ना रहले। बाकी वो मुंबई में हमरा हमार पहला जॉब ऑफर कहले, दादी के पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट के। अगर आपके बुरा ना लगे तो हम चाहता नहीं कि जॉन जॉब खातिर आप सुबह आयल रहनी, आप वो एक्सेप्ट कर ली। लेकिन आपके घर पर तो सबके आप लोग के बारे में कुछ मत सोचिए, क्योंकि अब हम आपके खिलाफ एको शब्द सुने की नहीं चाहत। इल्जाम के सिलसिला था तब से चला आ रहा बा, याद बा हमरा ऊपर झूठा इल्जाम लगल रहे माँ, पूरा घर के खिलाफ जाके ऋषभ जी कहले रहे कि प्रीता ऐसा ना कर सकेली, वो हमरा के सपोर्ट कर ले रहले, हम कुछ ना ले ले बानी। आपके पुलिस ब्लैक बना बुलाई, आज हम भी देखा था नहीं कि प्रीता के अरेस्ट करा था, बुलाई आप। आपके याद बा सृष्टि पे चोरी के इल्जाम लगा दे ले रहे, एको ज्वेलरी स्टोर से इको चुरे ले रही हो हमने के, पुलिस के धमकी दे दे ले रहे, वो चक्कर में लॉकअप में बंद कर दे ले रहे हो ओकरा के, सबसे इतना मदद मांग ले रहनी लेकिन केहू मदद ना कर ले रहे। वो वक्त भी ऋषभ जी आके सृष्टि के छुड़े ले रहे तब भी हमार सपोर्ट कर ले रहे। आप सृष्टि के रिहा कर दे वरना हम आपके ऊपर मुकदमा कर दे, क्या की वो जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज बनाओ सृष्टि के बेगुनाह साबित करे खातिर काफी हुई। ऋषभ जी हमारे बहुत अच्छा दोस्त बाड़े, अब आप ही बताए अगर तोहर आंख के सामने तोहर इतना अच्छा दोस्त के क्यों किडनैप करके ले जाता तो का ओकर पीछे ना भगबू, ओकरा बचेबू ना, या फिर सब्जी खरीद के चुपचाप घर आ जेबू? माँ हम अपना आपके रोक ना पैनी, हमरा ऋषभ जी के पीछे जाए के ही रहे, हमरा उनका बचा भी के रहे, हम उनका वो हालत में छोड़ी ना सकत रहनी। काहे बाड़ू तो इतना अच्छा, काहे बाड़ू तो इतना अच्छा, ये दुनिया में अच्छा लोगन के साथ हमेशा अच्छा ना हो खेला, ना जरूरत बात रहा इतना अच्छा होके के प्रीता आपने ही अच्छाई के कारण कितना बार कितना बात सुने के पड़ेला ना तारा के, कितना बेइज्जती सहे के पड़ेला, हमार दिल तार तारीफ करे से ना थकेला कि तू हमार बेटी बाड़ू, इतना गर्व बा हमरा तारा पे, सच में फक्र से कहता नहीं हमार सिर ऊंचा हो जाला जब जब हमरा ही समझ में आवेला कि तू हर के ओ खातिर इतना ध्यान रखे लो, तू हर के ओ खातिर कुछ भी कर सके लो, अपन जिंदगी भी दांव पे लगा सके लो। हम तो हर माँ बनी हम तरह के जन्म देनी, लेकिन दूसर तरफ हमरा के डर लागेला तो हर ये अच्छाई के वजह से जे ठेस तरह के पहुंचेला वो तो केहू के दिखावे लू ना, लेकिन हम तारा के पैदा के ले पानी ऐसे हम महसूस कर सके नहीं कि ऐसे मना करे नहीं तारा के, कितना अच्छा बात, इतना अच्छा ही कोनो काम के नहीं के, तू सिर्फ मुस्कुरावे लू लेकिन अंदर ही अंदर तू कितना रोवे लू केहू के नहीं के पता वो हम जाने नहीं। अरे ये अच्छा लगे हमरा के प्रीता तू बहुत अच्छा बात, तू सच में बहुत अच्छा बाड़ू। आंटी ओ एक्चुअली हमके ना बहुत टेंशन हो खत रहे, देखी ना वो राखी आंटी अभी भी प्रीता के इतना ज्यादा पसंद करे नहीं, इतना कुछ हो गए प्रीता हमार शादी रोके खातिर ऋषभ के किडनैप करवा देली, ओकरे बाद भी तो एक्चुअली हम सच कही ना तमके बहुत डर लग रहा ला, ये ओ कल कुछ गड़बड़ हो गए प्रीता ऐजा आ गए वो शादी रोक दिली पता ना का होके। बेटा तू बिल्कुल टेंशन मत ला,
ऐसा कुछ भी ना होगी, हम बानी ना कल तहार और करण के शादी जरूर होगी, और रहल बात प्रीता की तो ऊ घर में कदम भी ना रख पाई। अरे श्योर आंटी? नो, आई एम नॉट श्योर, आई एम डेड श्योर, डोंट वरी बेटा। थैंक यू। इतना अच्छा बने की जरूरत नहीं थे, हम आवतानी देख लो, सीखा अपन बहन से कैसे वो बिगड़ल बात के संभाल ले ली, बहनजी के दिल पिघला दे ली, और तू तू तो बिगड़ल बात के और बिगाड़ दा, बहनजी के खुंखार बना देबू। सृष्टि तू ना कौनो काम के ना बाड़ू। एक मिनट जानकी आंटी, कुछ भी मत बोलल करी। अरे हर केहू के अपन अपन तरीका होकेला अपन से डील करे के यार, दी के ही तरीका बा, हमार स्टाइल अलग बा। और एक मिनट, दी के तरीका से अगर माँ मान गनी तो एकरा में हम का कर सकेनी, माँ के गलती बाना एकरा में था। और वैसे भी देखल जाए तो सबके हम ही बचाईनी, आई मीन करण सर के फोन के कैलस हम। यह बात तरह से करे के बाहर रखे, चलो तू अंदर चलो, बता बता हम तेरा मना कर रहे हैं, तू फोन काहे केलू करण के, बोला दी यार कान मत पकड़ा आप हमार। हम करण सर के ना फोन कर ले रहनी, हमके कोनो शौक ना उनके फोन करे के। अच्छा, अरे यार हम सैमी के फोन कर ले रहनी, अब हमके का पता सैमी की जगह करण सर फोन उठाइए, हमके का पता वहाँ से के फोन उठा रहल बा, हम सीसीटीवी कैमरा थोड़े ना लगे ले बानी। अरे जब फोन उठा लेता केहू हाय हेलो तक कैलस ना, हम तो शुरू हो गए अपन कहानी बतावे में, और हमके का मालूम कि समीर के जगह करण सर सुन ले ली सब कुछ। बाय द वे एंड ऑफ द डे सबके भलाई हो गए ना, कान पकड़ लेनी जोर से सब हम के ही बोलत रहे ले। हमार हाथ थाम ला प्रीता, वादा करत बानी जिंदगी भरी हाथ छोड़ब ना। मायरा तू कुछ ऐसा करे के होगी कि करण सिर्फ तहार बात सुने, अपन माँ अपन भाई के ना। करण के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमे के चाहिए कि वो तरह से शादी कैसे करे, समझ लू तू। कुछ कुछ काम बा, कुछ कहे का बा?
करण बोले इतना हेजिटेट काहे कर रहा है। तो हमरा से शादी कर बना। हाँ ऑफ कोर्स करब, प्रॉमिस के लिए बने ना हम। अगर आज शादी ना भेल तो कब है, कल तो हम शादी करब तो से। थैंक यू, हमके ना बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा, सब कुछ बदल रहा है इतना जल्दी। हमके लगल कहीं तुहार मन बदल गई लो और तू हमरा से कर दे लगी तो प्रीता से शादी कर बता तो फिर तुहार दिमाग खराब हो गया बा। हाँ का बोल रहा बड़ू, हाँ तू इसन सोच भी कैसे सकेलू। करण हम सॉरी करण, हम तुहार गलती नहीं के, ओ तू तो हर बार हमके ओ बोले बड़ा कि तू हमरा से शादी करबा। एक्चुअली हमके ऐसा लगत रहे ना कि अगर राखी आंटी तोरा से कहली कि मायरा से शादी मत करो और तू उनकर बात मान लेला, या फिर करण अगर ऋषभ बोले कि प्रीता ज्यादा अच्छा बाड़ी और प्रीता होकर जान बचेली बाड़ी, अपन जान खतरा में डाल के विचम श्योर करण ऐसा कुछ भी ना भइला। वो गुंडा ठीक बोलत रहे पर हमके डर तो लगे। माहिरा के हो कुछ भी कहे, हम तो से कह रहल बानी ना कि कल हम तो से शादी करब तक करब। एक करण लूथरा के प्रॉमिस बा तो से, और करण लूथरा अपन प्रॉमिस कबो ना तोड़ेला। आई मैरी यू। करण तो के याद बना तो ये प्रॉमिस हमरा से पहले भी कर ले रहा, जब वो कोर्ट वाला इंसिडेंस भइल रहे। अगर कल कोर्ट में तू ई गवाही दे लो कि प्रीता बेकसूर भी है, तो हर एक्सीडेंट में होकर कोनो हाथ नहीं थे, तो आई प्रॉमिस हम तो से शादी करब। तू जैसन कह ले रहा हम बिल्कुल वैसने कहीं नहीं, सब गड़बड़ हो गए रहे करण, तुम्हें हमार गलती ना रहे ना। तम के लगल कहीं तू अपन प्रॉमिस भूल ना जा। ना भूलब, हम तोसे कल शादी करब। थैंक यू। हम तनी थक गए बने, हम जाके थोड़ा आराम करत बने। फाइनली हमके तुहार प्रॉमिस मिल गए करण, ये प्रॉमिस तले वे आयल रहनी हम और देखा लेके जा रहल बानी। और सही कहला तू, ये बात तो हम भी जाने नहीं कि तू अपन प्रॉमिस कबो ना तोड़बा। हाय करण भाई, हम बड़ा थक गए बानी, आपके कमरा में रेस्ट कर ली। कहें तोरा रूम के का भाई? वो हमारे बिस्तर गिला हो गए बे भाई। का? अरे भाई अब कहा सोचा था नहीं यार, हम कोनो छोटा बच्चा थोड़ी ना है जोन बेड में। वो हम कमरा के बाहर गिल रहनी और हमारे खिड़की खुला रह गिल रहे, बाहर इतना तेज बारिश होता रहे कि हमारे सूखा बिस्तर गीला हो गए। जा सो जा, आप भी आ जाए। हम औरत बने दी। यार दी कमाल कर रहा नहीं, ऐसे कहे बैठल बानी, बाहर बारिश हो रहल बा, चलो ना खिड़की खोलल जाए। एक्चुअली बाहर भीग ना सके नहीं तका भय, बारिश फील कर सके नहीं, महसूस कर सके नहीं, देख सके नहीं, बाना हम खिड़की खोल रहल बानी। ना सृष्टि आप विंडो मत खोला, हमरा बारिश पसंद नहीं की। है? अरे लेकिन विंडो का है। ओ अच्छा, अगर आप बारिश के देखिए तो आप करण सर के मिस करिए, और आपके करण सर के याद ना करे के बा तो एकरा खातिर आप बारिश मिस करे चाहता नहीं बाना। ऐसन कोनो बात नहीं की। ऐसन ही बात दी कहनी ना, ऐसन कोनो बात नहीं के, अब हम खिड़की बंद कर देनी का कि पानी अंदर आवत रहे। तो खोले दे ना यार, पानी ही तो अंदर आत रहे यार। दी सुना, सुननी ई बारिश की आवाज आ, ई आवाज हमके बहुत अच्छा लागेला दी। एकरा से ना इंसान के स्ट्रेस दूर हो जाला, हमके बहुत अच्छा लागेला, दिल के सुकून। प्लीज दी हम खोल रहल बानी। अब स्लिक
आज तक करण के शादी नहीं किए, लेकिन कल करण माहिरा से शादी कर ली। एंड आई स्वेयर ओकर बाद हम कबो ओकर चेहरा ना देखा। करण भाई नींद पूरा हो गई? सपना देख लेला अच्छा से? सपना? हाँ, आप नींद में प्रीता के सपना देखत रहने। तो क्या कैसे पता कि हम सपना में का देखत रहे? अरे ना बोले रहनी ना, बोली ना प्रीता के नाम लेत रहनी आप। हाँ सही में आपके याद नहीं के? सॉरी आप भूल गए लोगे। हम लेके भी पता ना दिमाग से निकले ले हैं, पता ना का कर दले भैया। अरे ना ना भाई, वो कुछ नहीं के कहले। आप डरल जैसा लागत रानी। हम डरल रानी? हाँ। कहें? कैसे पता? पता था आप बोलनी ना, और आप ऐसे साउंड करत रानी कि जैसे आपके वो छोड़े ना, आप ओकरा के खोना दी, ऐसा बोलत रानी। का बोलत रानी? ये कि हम प्रीता के छोड़े के नहीं की चाहत, प्रीता के खोए के नहीं की चाहत, प्रीता 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 करत रानी आप। शट अप मैन। अरे शट अप भाई, हमें हमार का गलती बा, हम तो हुए कहता नहीं जिन सपना में आप बोले रानी। अरे आप सपना में बोले रानी ऐसा कैमरा के छोड़ के मत जा प्रीता, हमरा के छोड़ के मत जा। करण भाई, करण भाई भी कमाल बाड़न, एक तो खुद सपना देख लेना, खुद बोले लेना और फिर हमरा पर गुस्सा कर लेना। हाँ कल करण सर के शादी बा, दी दिखाता ऐसे रहल बानी जैसे ही कितना काम और कूल बानी, इनके कोनो फर्क ना पड़ेला। लेकिन फर्क तो इनके बहुत पड़ रहल बा। हमके पता बा, ये अंदर से बहुत टेंस बानी, और अभी इजे सोच रहल बानी ना, ये करण सर के बारे में ही सोच रहल बानी, उनके शादी के बारे में ही सोच रहल बानी। मुहूर्त निकल गेल तो का भइल, शादी तो हम करब, शादी तो हम जरूर करब।